हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम टेंडा के किसी भी वाईफाई रूटर को किस तरह इजीली सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर पावर अडाप्टर की जो पिन है वो हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो जो पावर अडाप्टर की पिन है वो इसके अंदर लग चुकी है। तो अब हम जो इंटरनेट की वायर है, जिसे हम इथरनेट केबल भी बोलते हैं, वो हम वैन पोर्ट के अंदर लगाएंगे। इथरनेट केबल वैन पोर्ट के अंदर लग चुकी है। अब हम वाईफाई रूटर के अडाप्टर को इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर लगाकर पावर सप्लाई करेंगे। हमारी डिवाइस ऑन हो चुकी है। अब हम अपने मोबाइल फ़ोन से वाईफाई ओपन करेंगे। तो वाईफाई ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन वाईफाई के साथ कनेक्ट हो चुका है। जब तक हम साइन इन नहीं करेंगे तब तक हम वाईफाई इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम इसके ऊपर टैप करेंगे। इसके ऊपर टैप करने के बाद आपके सामने एक टेंडा का साइन इन पेज ओपन हो जाएगा। आप यहां से अपने वाईफाई का नेम भी चेंज कर सकते हैं और यहां से पासवर्ड भी लगा सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर कोई भी नेम लिख लेते हैं, जैसे मैं अली लिख रहा हूं, और यहां पे हम कोई भी पासवर्ड टाइप कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां से हम ओके कर देंगे। यहां से हमारी डिवाइस का सेटअप हो चुका है। अब हम वाईफाई को ऑफ करके दोबारा ऑन करेंगे। वाईफाई को ऑफ करके दोबारा ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे हमारा वाईफाई शो हो रहा है। वहाँ पर टैप करेंगे, ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। अब हम YouTube ओपन करके देख लेते हैं कि इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।